हेलो, सलाम अलैकुम। मैं हूँ मिस्टर मनीम। ये होमवर्क का आई लीटर है तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी इसको केबल लगा के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैंने इसकी केबल लगाई है, यहाँ पे केबल लगा के इसको ऑन करने की कोशिश की है। यहाँ एक ये दूसरा बिल्कुल ये थर्मोस्टेट, चलिए इसको ओपन करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ से ऊपर से इसके दो स्क्रू हैं, यहाँ पे ऊपर स्क्रू ओपन करूँगा और नीचे से एक स्क्रू होता है उसको ओपन करूँगा। देखते हैं इस उम्र में आयल हीटर में क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसको ओपन करते हैं। स्प्रिंग्स था, स्प्रिंग के साथ लॉक हुआ हुआ है। अभी मैं इसको ये ऐसे ओपन करूँगा, ये अभी बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, अभी यहाँ से भी बाहर आ गया। देखिए अभी इसको कैसे ओपन करना था। ये इसका साइड कवर चढ़ा हुआ है, ये वाला। अभी इसको ये वाला साइड इसको कवर चढ़ा हुआ, अभी ये आराम से ये बाहर आ गया। अभी मैं इसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसका देखो ना, यहाँ से ऑयल बाहर आ रहा है। अभी देखते हैं इसका क्या मसला है, मीटर से चेक करते हैं पावर क्यों नहीं आ रही। यहाँ से इसके पावर कनेक्शन है, अभी मैं देखते हैं इसकी पावर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं से शू में प्रॉब्लम है। अभी मैंने इसको पावर दी है, पावर दी है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके वोल्टेज बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ थर्मोस्टेट की भी वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ के ऊपर थर्मोस्टेट के ऊपर 220 आ रहे हैं, इसके आउटपुट इनपुट भी आ रहे हैं। यहाँ पर इसका जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना, ये वाला थर्मोस्टेट देखो ना, इसमें वोल्टेज नहीं आ, ये प्रॉब्लम कर रहा है ये थर्मोस्टेट इसका। आप देख रहे हैं ये थर्मोस्टेट, इसके बॉडी थर्मोस्टेट लगा, जब टेम्परेचर पूरा होता है तो इसको ऑफ कराता है। अभी ये ठंडा है तो इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हीटर के ऊपर जो रॉड है उनके ऊपर पावर आ रही है, ऑलरेडी पावर आ रही है, जिसका थर्मोस्टेट ये वाला ये प्रॉब्लम कर गया है। ये ज़्यादा हीट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया और इसका ऑयल भी लीक होता रहा है। बाकी इसकी केबल अच्छी लगी हुई है, बेहतरीन है, होमर का, होमर की अच्छी कंपनी है। अभी मैंने इस पर वोल्टेज चेक किए हैं, इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। अभी देखें दोनों रॉड के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, दोनों रॉडों के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ये इसका न्यूट्रल है, ये अभी इसको ऐसे पुश करूँगा। अभी देखते हैं यहाँ पे ये थर्मोस्टेट, देखा यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं, देखें वोल्टेज आ रहे हैं इसके ऊपर। देखें यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं इसके। तो अभी मैं ये 2000 वाट का है, देखिए ये 2000 वाट के हैं, दो हीटर लगे हुए हैं, एक ये हीटर है, एक ये है, ये कॉमन इसकी न्यूट्रल है, ये एक हीटर की 1000 वाट के दो हीटर लगे हुए इसमें, 1000 वाट 2000 वाट का, कुल 203 वोल्ट 60 हर्ट्ज वोल्ट। ये डबल है, ये डबल रॉड है इसमें हीटर। तो अभी इसकी मैं पावर तो बिल्कुल ऑलरेडी आ रही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है, देखें ना 220 इसमें पावर आ रही है, थर्मोस्टेट के ऊपर भी जा रही है पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस ये इसको थर्मोस्टेट कुछ ये वाला ये देखना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखना ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए अभी इसको बदली करूँगा मैं। थर्मोस्टेट, बॉडी थर्मोस्टेट
तो इंशाल्लाह ये काम करना शुरू कर देगा। अभी इसको मैं थर्मोस्टेट को ओपन करता हूँ, ओपन करके नया लगाता हूँ तो इंशाल्लाह ये काम करना शुरू कर देगा। थर्मोस्टेट इसको मैं ओपन किया तो ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये दो वायर के साथ लगा हुआ था। अभी मैं देखते हैं ये देखें, ये 110 सेंटीग्रेड पे ये काम करता है, 220 के आउटपुट सप्लाई निकलती है इसमें। 110 सेंटीग्रेड जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ट्रिप करवा देता है ऑलरेडी। अभी ये लूज़ हो गया, देखें ना, ये प्रॉब्लम हो गई इसे। ये साइड सही है, ये वाली प्रॉब्लम कर गई है, आप देख रहे हैं। तो अभी इसको नया लगाऊंगा मैं, नया लगा के तो इंशाल्लाह इसको चलाऊंगा। अभी नया लगाता हूँ मैं इसको, हमारे पास स्पेयर पार्ट वेरिएबल होता है। ये देखो, ये हीट की वजह से इसका कॉपर का कलर और इसका कलर और हो गया है, तो हीट की वजह से हुआ, ज़्यादा हीट पे चलता रहा है। थर्मोस्टेट को कैसे चेक किया जाता है अभी आपको बताता हूँ। इसको कंटिन्यूटी ऊपर रखना चाहिए, कंटिन्यूटी के ऊपर देखें, इसके साथ ये देखें, ये निया निया वाला है, देखें ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखें, अभी इसकी कोई साउंड नहीं है, इसका कंटेक्ट मेल्ट हो गया था। अभी इसको मैं नया लगाऊंगा, ये वाला काम नहीं कर रहा, ये पुराने वाला है, इसमें ये रीसेट स्विच नहीं है। इसके साथ जो नया लगा रहा हूँ, इसके साथ रीसेट स्विच का स्विच चाहिए। हाँ, रीसेट ट्रिप वो तो रीसेट हो सकता है ये टेम्परेचर के साथ। ये नया अच्छा है, ये टालियन है, ये वाला चाइना का लगा हुआ है, ये टालियन है, अभी देख रहे हैं आप, इटालियन स्विचेस हैं। इसको मैंने लगा दिया है ये वायर के साथ। अभी यहाँ पे लगाऊंगा इसका थर्मोस्टेट, इधर यहाँ पे लगा के दो स्क्रू लगते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दो स्क्रू लगा के तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा ये, यहाँ पे इसको थर्मोस्टेट बॉडी के साथ लगाना पड़ेगा। अभी मैंने इसका थर्मोस्टेट लगा दिया है, यहाँ पे लगाया, देख आप देख सकते हैं, ये थर्मोस्टेट आपने तार भी लगा दिया है। तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ, पावर सप्लाई देके चेक करता हूँ। ये हुमर कंपनी का है, ये मॉडल नंबर है, 2000 वाट का है, मेड इन रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का बना हुआ हुमर का है ये। अभी ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा, थोड़ी सी लीकेज है इसमें ऑयल की, ज़्यादा हीट की वजह से ऑयल बाहर आ गया है इसका। अभी इसको मैं चला के चेक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ ऑयल का क्या करना है। ये ओपन करना पड़ेगा ये वाला हीटिंग रॉड, तो फिर नीचे से जैन होता है इसका, उसको टाइट करना पड़ेगा। अभी पहले चेक करते हैं इसको ऑन करके, क्या ये वर्क भी करता है कि नहीं करता। अभी थर्मोस्टेट से तो पावर आउट हो रही थी, यहाँ पर उन्होंने इन्होंने एक उम्र वाले एक फ्यूज़ लगाते हैं, तो अभी देखते हैं इस फ्यूज़ को, फ्यूज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी मैंने इस पावर सप्लाई दी थी तो यहाँ नहीं हुआ था, अभी इसका फ्यूज़ निकालते हैं, फ्यूज़ में क्या प्रॉब्लम है, फ्यूज़ तोड़ नहीं उड़ गया। उम्र का काम ही ऐसा है, जे जूसर ग्राइंडर के साथ भी ये फ्यूज़ लगाते हैं, सेफ्टी फ्यूज़ लगाते हैं, ये देखते हैं आप, ये सेफ्टी फ्यूज लाजमी लगाते हैं। ये इसका जो है ना 142 सेंटीग्रेड पे उसने बताया हुआ है, ये 220 पे काम करता है ये वाला, ये सेफ्टी फ्यूज इसमें लाजमी लगाते हैं। जूसर में भी ऐसे लगाते हैं, तो बड़े बड़े जूसरों में भी ये लगा देते हैं मोटर के साथ, फिर पूरी जूसर ओपन करनी पड़ती है तो ये अंदर से ये इसकी प्रॉब्लम होती है। BF 142 ये 10 एम्पेयर का है, ये 142 सेंटीग्रेड पर ये काम करता है। अभी इसको रिप्लेस सेफ्टी के लिए लगाना हो तो लगा दें, अगर नहीं तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप, तो फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है, सेफ्टी होती है, ये शॉर्ट नहीं होता, फिर ज़्यादा लोड की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो लिहाजा फ्यूज़ हम इसको बदली करेंगे, फ्यूज़ लगा के दोबारा इसको ऑन करेंगे। वैसे डायरेक्ट अभी चेक करता हूँ इसको ऑन करके तो क्या करता है ये। अभी मैंने इसको पावर दी है, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे ये थर्मोस्टेट,
यहाँ पे ऑफ़ करना, ऑफ़ कर लें पहले। ये पहला देखा, ये चल पड़ा है। एक सौ फ्यूज़ लगाया मैंने, ये थर्मोस्टेट इसका, ये दूसरा। अभी दोनों मैंने रॉड चला दिए, ये वन एंड टू ऊपर लिखा हुआ है। अभी देखते हैं थर्मोस्टेट ऑफ करवाता है नहीं करवाता इसको, कुछ थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं इसको। इसको सीधा करते हैं, सीधा करके इसको फिर लगाते हैं, क्योंकि ऑयल होता है इसके अंदर। तभी देखें ना दोनों रॉड जा रहे हैं। थर्मोस्टेट चेक करना है अभी, देखो ये वन एक ऑफ दूसरा ऑफ। अभी दोनों रॉड मैंने चलाए हैं, तो अभी टेम्परेचर को देख रहा हूँ, टेम्परेचर पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। थोड़ी देर लगेगी, ऑयल गर्म होगा तो फिर ये काम करना शुरू कर देगा। अभी इसकी पैकिंग जो है वो मैं लगा दूंगा, पैकिंग लगा के दोबारा इसको बंद कर दूंगा। अभी ये वर्क करना शुरू कर दिया है। मेरी वीडियो आपको पसंद है, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नई नई वीडियो तक जल्द पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।